सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिंह डीएसबी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का तात्पर्य आकाश में स्थित किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे हवाई जहाज या उपग्रह से पृथ्वी के किसी भूभाग का चित्र लेना है। यह एक ऐसी उन्नत विधि है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाए बिना हम पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से कर सकते हैं। सुदूर संवेदन की तकनीक को सेंसर की प्रकृति के आधार पर दो प्रकारों में बांटा जाता है, पैसिव और पैसिव। ज़्यादातर पैसिव संवेदकों द्वारा सूर्य का परावर्तित प्रकाश संवेदित किया जाता है। एक्टिव संवेदक वे हैं जो खुद ही विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करके उसे पृथ्वी की ओर फेंकते हैं और परावर्तित किरणों को रिकॉर्ड करते हैं। उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं, जिससे हम जमीन पर खड़े होकर जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की इजाज़त देते हैं। जहाज़ों पर सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र की छवियों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उपग्रहों पर कैमरे का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को बनाने के लिए किया जा सकता है। बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से मैप किया जा सकता है, जिससे रेंजरों को जमीन से कहीं ज़्यादा बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति मिलती है। बादलों को ट्रैक करने या मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए बादलों को ट्रैक करना और धूल के तूफानों को देखने में मदद करता है। एक शहर के विकास और कई वर्षों या यहाँ तक कि कई दशकों में कृषि भूमि या जंगलों में परिवर्तनों को ट्रैक करता है। दोस्तों, हम रिमोट सेंसिंग का उपयोग कई क्षेत्रों में करते हैं। हालांकि रिमोट सेंसिंग का सर्वप्रथम उपयोग बलूनिस्ट जी कूर्नाचॉन ने 1858 में अपने गुब्बारों से पेरिस की तस्वीर बनाई। मैसेंजर कबूतर, पतंग, रॉकेट और मानव रहित गुब्बारे भी शुरुआती छवियों के लिए उपयोग किए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध में होने वाली सैन्य निगरानी और पुनः जागरण उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित हवाई फोटोग्राफी विकसित की गई थी और P-51, P-38, RB-66 और F-4C जैसे संशोधित विमानों के उपयोग के साथ शीत युद्ध के दौरान पर्वतारोहण तक पहुंचा गया था। या विशेष रूप से डिजाइन प्लेटफॉर्म जैसे UPR-1, SR-71, A-5 और OB-1 श्रृंखला दोनों ओवरहेड और स्टैंड ऑफ संग्रह में डिजाइन किए गए थे। बाद में इमेजिंग प्रौद्योगिकियों में इंफ्रारेड, पारंपरिक डॉप्लर और सिंथेटिक एपर्चर रडार शामिल हुई। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के विकास ने शीत युद्ध के अंत तक वैश्विक स्तर पर प्रगति के लिए रिमोट सेंसिंग की अनुमति दी। लैंडसैट, निम्बस जैसे विभिन्न पृथ्वी निरीक्षण और मौसम उपग्रहों पर घुसपैठ के राडार रेड और URS जैसे अन्य मिशनों ने नागरिक अनुसंधान और सैन्य उद्देश्यों के लिए विभिन्न आंकड़ों के वैश्विक मैप प्रदान किए। अन्य ग्रहों के लिए अंतरिक्ष जांच ने बाहरी अंतरिक्ष में रिमोट सेंसिंग के अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान किया। मैगेलिन अंतरिक्ष यान पर सिंथेटिक एपर्चर रडार, वीनस के विस्तृत भौगोलिक मानचित्र प्रदान किए गए और SOHO पर उपकरणों ने सूर्य और सौर हवा पर अध्ययन करने की अनुमति दी। हालिया घटनाओं में 1960 और 1970 के दशक में उपग्रह इमेजनरी की छवि प्रसंस्करण के विकास शामिल है। नासा एम्स रिसर्च सेंटर, GTE और ASL समेत सिलिकॉन घाटी के कई
शोध समूहों ने फूरियर ट्रांसफॉर्म तकनीक विकसित की है जो इमेजिनरी डेटा के पहले उल्लेखनीय वृद्धि के लिए अग्रणी है। 1999 में पहला वाणिज्यिक उपग्रह आइकोनोस का शुभारंभ हुआ था। हालांकि दोस्तों, रिमोट सेंसिंग हमारे लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे रिमोट सेंसिंग ने पूरी तरह से जमीन आधारित सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया है। मुख्य रूप से कुछ सीमाएं हैं: डेटा संग्रह और डेटा खरीद की लागत, डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्याएं, सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं, क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड के माध्यम से देख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।